दोस्तों अभी मैं अपने स्कूल में अपनी क्लास में हूँ। यही मेरा बेंच है, पहले बेंच में मैं अकेला बैठता था तो वो दिन याद आ रहे थे। देखिए दोस्तों, उस वक्त प्लस टू क्लास में बहुत वीडियोस में अपनी प्लस टू क्लास की बात करता हूँ। क्यों करता हूँ दोस्तों? क्योंकि जो भी मेरा अध्यात्म का जीवन है, ये प्लस टू क्लास दोस्तों मेरे जीवन का एक बेस रहा है। हर एक पॉइंट होता है जब हमारे भीतर अध्यात्म एक कुछ क्वेश्चन पैदा होते हैं, तो मेरे जीवन का वो प्लस टू ही क्लास थी जब दोस्तों मेरे भीतर बहुत सारे क्वेश्चन पैदा होते थे ना, जीवन को लेकर, ध्यान को लेकर। गौतम बुद्ध, हम सुनते थे ना कि सत्य की प्राप्ति हुई गौतम बुद्ध को, तो क्वेश्चन ये उठता था कि सत्य की प्राप्ति मतलब क्या। यहीं पर बैठा बैठा घंटों घंटों चिंतन मंथन करता था दोस्तों। ध्यान एक बार, ये खिड़की है यहाँ पर, काफी अभी तो हालांकि पेड़ है यहाँ पर, काफी पेड़ पौधे बाहर और होते थे दोस्तों। मैं देखता था प्रकृति को, एक अलग सी पॉजिटिविटी फील होती थी मेरे को। तो उस दिनों को मैं कभी नहीं भूलता हूँ। जब भी कल को हम और अध्यात्म की हाई स्टेज में पहुंचेंगे दोस्तों, तो ये दिन हमेशा मेरे को, वो पल कभी नहीं भूलेंगे। वो जो प्लस टू कक्षा के दिन थे ना जिंदगी में, वो कभी नहीं भूलने वाले। एक बार ये पूरी क्लास दिखा दीजिए ताकि दोस्तों और भी जो मेरे क्लासमेट थे जो इस वीडियो को देख के कमेंट जरूर करना कि हाँ भाई हमको भी वो कक्षा देखकर वो दिन ज्यादा है। अभी मैं हूँ इस वक्त प्लस टू कॉमर्स क्लास में बैठा हुआ हूँ। दोस्तों अपनी इनिशियल स्टेज को याद रखना चाहिए। जब आप जो कोई भी क्षेत्र में आगे बढ़ो है ना, अपनी शुरुआती दिनों को याद रखते हैं ना, तो एक मोटिवेशन हमारे भीतर रहती है। मोटिवेशन की जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो मोटिवेशन मिलती है कि हाँ, एक बात कहता हूँ ना कि मंजिल तो मिल ही जाएगी भटकते भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घरों से निकले ही नहीं, गुमनाम तो वो हैं जो घरों से निकले ही नहीं। तो खुशी होती है कि उन दिनों में निकला था अपनी खोज में, आज बहुत आगे पहुँच चुका हूँ, बहुत ही अंदर को अंदर प्रसन्नता होती है पीछे मुड़ के जब देखते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, और कई सारे मेरे कुछ याद जुड़ी हुई इनके बारे में आप लोगों को बताऊंगा मैं। लेकिन ये कहूँगा दोस्तों, अपने अतीत को याद करते रहिए। अतीत को बोझिल होने के लिए याद नहीं करना है। अच्छी हैबिट होगी दोस्तों, आपके पास अच्छी यादें होंगी, तो अतीत को याद करके बड़ी एक मोटिवेशन, एक बड़ी प्रसन्नता फील होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी को प्रणाम।